Assalamu alaikum, dear students of class 11th. In my previous lecture, we had studied about objectives of pre-primary education according to Ms. Chris Owen and National Policy on Education. And our today's topic is objectives of pre-primary education according to Kothari Commission. पिछले लेक्चर में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे प्री प्राइमरी एजुकेशन के जो मिस क्रिस ओवन एंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अकॉर्डिंग थे. आज हम कुछ और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे जो कोठारी कमीशन ने दिए हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन. सो फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स. बच्चे के अंदर अच्छी आदतें जो हैं डेवलप होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर खाने पीने की तमीज़ आ जाए. उसको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे बाथरूम जाना है, मुझे कैसे अपने आप को साफ रखना है, मुझे कैसे वॉश करना है. ये सब आदतें जो हैं उसमें डेवलप होनी चाहिए. उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ गुड एटीट्यूड्स. बच्चे के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है, बच्चे को गाइड किया जाता है कि कैसे एक्सप्रेस करना है, अंडरस्टैंड करना है, और वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है और उसके अंदर जो है एक अच्छा बिहेवियर आ जाता है. उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक एप्रिसिएशन. बच्चे को जो है यहाँ पे इनकरेज किया जाता है, उसके साथ बच्चा जो है यहाँ पे ब्यूटी को भी अप्रिशिएट करना जो है सीख जाता है. उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी. बच्चों को इस काबिल बनाना कि इनमें इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी जो है बढ़ जाए, ताकि उसको पता चले कि जिस दुनिया में वो रह रहा है, यहाँ पे क्या बदलाव हो रहा है, वो किस माहौल में रह रहा है, उसकी दिलचस्पियां जो हैं बढ़ जाती हैं. उसको यहाँ पे ऐसे मौके मिलते हैं, वो छानबीन करने लगता है, एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जिससे उसकी जो है मेंटल डेवलपमेंट होती है. उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ स्पीच हैबिट्स. यहाँ पे बच्चे की सलाहियतों को जो है डेवलप किया जाता है, जैसे बच्चा अपने ख्यालात और फीलिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करता है, और उससे जो है उसकी वहाँ पे जो है स्पीच जो है स्पीच हैबिट्स जो है उनकी डेवलपमेंट हो जाती है. उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. बच्चे को ऐसे मौके फरहम करना जिनसे वो आज़ाद रहे और वो अपने आप को अच्छे से जो है एक्सप्रेस कर पाए. उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ गुड फिजिक. यहाँ पे बच्चे की जिस्मानी नशोनमा का जो है ख्याल रखा जाता है, उसको ऐसी एक्टिविटीज़ जो है कराई जाती हैं जिनसे उसका जिस्म जो है स्ट्रांग रहता है. प्राइमरी एजुकेशन का बुनियादी मकसद ऐसा एक सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे बच्चे की जिस्मानी व जहनी डेवलपमेंट होती है, जिसमें कोऑपरेशन पर ज़्यादा जो है ध्यान दिया जाता है, बजाय कंपटीशन के. बच्चों में बजाते खुद एक्टिविटीज से इमोशनल डेवलपमेंट होती है, जिससे बच्चों में काम के तई दिलचस्पी बढ़ जाती है और बच्चा काम में खेल और खेल में काम पाता है. मुख्तसर तौर पे प्री प्राइमरी स्कूल सबसे अच्छी जगह है कि जिसमें होने वाले मुल्क के शहरी एक अच्छी तरबियत जो है पाते हैं. ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स प्री प्राइमरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो कोठारी कमीशन ने दिए थे. थैंक यू.